जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती पर। मैं हूं सूरज चौधरी और आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ बताने जा रहा हूं। मछलियों के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा, कुछ सिखाऊंगा। आप लोगों ने तो बहुत मछलियों के बारे में सुना होगा, लेकिन कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जिनमें लंग पाया जाता है, मतलब जिनमें हम लोगों में लंग्स पाया जाता है, हम लोग रिस्पायर करते हैं। ठीक उसी प्रकार से कुछ मछलियाँ होती हैं जिनमें लंग्स पाया जाता है, उन मछलियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उनमें गिल भी पाया जाता है रेस्पिरेशन के लिए। अगर वो पानी में है तो गिल से रेस्पिरेशन करती हैं, अगर वो पानी से बाहर आ जाती हैं तो वो लंग से रेस्पिरेशन करती हैं। उन मछलियों को क्या कहा जाता है? उन मछलियों को लंग फिशेस कहा जाता है। तो हम बात करेंगे आज लंग फिश के बारे में कि लंग फिश कौन कौन सी हैं और उनका क्या नाम है और वो कहाँ पर पाई जाती हैं, उनका फीचर कैसा होता है, वो कैसे दिखती हैं और उनका हैबिटेट क्या होता है, उनका भोजन क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे वीडियो में और देखें कि डिप्नोई मतलब होता है डबल ब्रीदर्स। हम आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्नोई कहते हैं उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में, और लंग फिशेस कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में। लंग पाया जाता है इसलिए उसको लंग फिश भी कहा गया। अब डिप्नोई जो लिया गया ये ग्रीक वर्ड से लिया गया, इसमें दो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ग्रीक वर्ड लिया गया डी आई यहाँ पे है, पनोई अलग है, डी अलग है। डी मतलब हुआ डबल और पनोई मतलब हुआ ब्रीथ। ठीक, डी मतलब डबल, पनोई मतलब ब्रीथ, मतलब डबल ब्रीदर्स, मतलब इनमें लंग भी पाया जाता है एज वेल एज इसमें गिल्स भी पाया जाता है। इंट्रोडक्शन इनका होगा, इनका जो इंट्रोडक्शन है ये होगा लंग फिशेस, इनको कहा जाता है कॉमनली लंग फिश कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें गिल भी पाया गया और लंग भी पाया गया। रेस्पिरेशन के लिए इसमें गिल्स भी पाया जाता है और लंग्स भी पाया जाता है, इसलिए इनको लंग फिश कहा जाता है। अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे पाई जाती है उनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? ये डिसकंटिन्यूअस होती हैं। बहुत सी मछलियाँ होती हैं कि जो कंटिन्यूअस हर कंट्री में पाई जाती हैं, लेकिन इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिसकंटिन्यूअस है, मतलब ये बहुत ही रेयर कई जगह पर केवल पाई जाती हैं, पूरे देश में नहीं पाई जाती हैं, पूरे यूनिवर्स में नहीं पाई जाती हैं, कुछ देशों में ये सिर्फ पाई जाती हैं। इसलिए यहाँ पर लिख दिया गया है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, डिसकंटिन्यूअस एट प्रजेंट, इस समय प्रजेंट टाइम में द डिप्नोई रिप्रेजेंटेड बाई 3 जियोग्राफिकली आइसोलेटेड जनरा। इस समय जो डिप्नोई है वो केवल 3 जियोग्राफिकली रीजन में पाई जाती है। एट प्रेजेंट द डिप्नोई रिप्रेजेंटेड बाई 3 जियोग्राफिकली आइसोलेटेड जनरा, केवल 3 जनरा इनमें पाया जाता है और 3 जगहों पर पाया जाता है। ठीक, अकरिंग इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर और सब ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर किसको कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया, ये 3 रीजन में पाई जाती है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। अब वो कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं 3 रीजन में, इसके बारे में हम बात करते हैं और उसका एग्जाम्पल भी देते हैं। ठीक, इसका एग्जाम्पल जो होगा, एक है नियोसेरेटोडस, पहला नाम जो है नियोसेरेटोडस है, उसका फिगर हमने यहाँ पे बना दिया है। ये है नियोसेरेटोडस, बॉडी इज कवर्ड बाई स्केल, बॉडी जो है कवर्ड है स्केल से, कॉडल फिन पाया गया यहाँ पे, और यहाँ पे पेल्विक और पेक्टोरल फिन भी पाया जाता है। इनका जो काम होता है, अगर ये पानी में है तब तो ये स्विमिंग करेंगी, अगर ये जमीन पे आ गई, बाय द वे कहीं अचानक ये जमीन पे आ गई तो ये क्राउल कर लेती हैं, मतलब ये क्राउल करके ये चलती हैं। इनके हिसाब से ये जो फिन पाया जाता है ये लेग लाइक वर्क करता है इनका। नियोसेरेटोडस कहाँ पे पाई जाती है? रिवर और पूल, मतलब नदी और तालाब में पाई जाती है आप ऑस्ट्रेलिया, इसको हम ऑस्ट्रेलियन लंग फिश भी कहते हैं। जो नियोसेरेटोडस है इसको ऑस्ट्रेलियन लंग फिश कहते हैं, और जो प्रोटोप्टेरस है इसको क्या जाता है? इसको अफ्रीकन लंग फिश कहा जाता है। 3 कॉमन नेम्स भी जाना जाता है लंग फिशेस को, एक होता है ऑस्ट्रेलियन लंग फिश, एक होता है अफ्रीकन लंग फिश और एक होता है अमेरिकन लंग फिश। जो नियोसेरेटोडस है उसको रिवर में पाया जाता है, पूल में पाया जाता है आप ऑस्ट्रेलिया, इसलिए इसको ऑस्ट्रेलियन लंग फिश कहा जाता है। और जो प्रोटोप्टेरस है, प्रोटोप्टेरस का फिगर हमने यहाँ पे बना दिया है, ये आप देख लीजिए, इसमें लेटरल लाइन जो होता है, इसमें लेटरल लाइन जो है सेंस आर्गन सेंसरी ये वर्क करता है, ये लेटरल लाइन जो है ये बहुत ही डेवलप होता है। ठीक, सेंस आर्गन लेटरल लाइन किस लिए पाया जाता है, इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है। लेटरल लाइन जो होता है ये इसलिए पाया जाता है, ये सेंस का वर्क करता है मछलियों में। मछलियाँ अगर जो बॉटम डोलर्स हैं, सी रीजन में पाई जाती है, वो बॉटम रीजन में पाई जाती है, तो उसमें जो है सेंस आर्गन पाया जाता है। ठीक, ये इसलिए पाया जाता है कि कोई एनिमी उनका आ रहा है या
कहीं पे कुछ घटना घटित हो गई या उनके लिए कोई भोजन आ रहा है तो उन सब चीज़ों का जानकारी जो है लेटरल लाइन सिस्टम दिलाता है। ठीक, तो इसमें जो होता है जो लेटरल लाइन सिस्टम बहुत ही वेल डेवलप होता है। यहाँ पे देख लीजिए ये जो फिन पाया गया फिलामेंटस फिन है, ये जो है लेग का वर्क करता है। अगर ये पानी से बाहर आ गई है तो ये लेग का वर्क करेगा, मतलब पाँव का वर्क करता है। नियोसेरेटोडस ऑस्ट्रेलियन लंगफिश, इसकी लंबाई जो होती है 1.5 मीटर होती है। जो नियोसेरेटोडस है इसकी लंबाई जो है 1.5 मीटर होती है, इसकी लंबाई 1.5 मीटर है। उसका वेट कितना है 45 किलो है। जो नियोसेरेटोडस है उसका फिगर ये है, इसको कहते हैं ऑस्ट्रेलियन लंगफिश। इसकी लंबाई जो है 1.5 मीटर है और वेट जो है 45 किलोग्राम है। और जो प्रोटोप्टेरस है इसको अफ्रीकन लंगफिश कहा जाता है। ये अफ्रीका के कहाँ पाई जाती है, ये लैक जो झील होता है लैगून उसको भी कहा जाता है। ये लैक में पाई जाती है और रिवर में पाई जाती है। इसकी लंबाई जो होती है 1.2 मीटर, मतलब 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर होती है। इसका वेट होता है 40 किलोग्राम। ठीक, जो लेपिडोसायरन है इसको कहा जाता है साउथ अमेरिकन लंगफिश। ठीक, अमेरिकन लंगफिश कहा जाता है। ये कहाँ पाई जाती है, ये अमेजॉन जो रिवर है अमेरिका में वहाँ पे पाई जाती है। इसकी लंबाई लगभग 4 फीट होती है और बॉडी जो होता है कवर्ड बाय साइक्लॉइड स्केल। जो इसका बॉडी है वो कवर्ड है साइक्लॉइड स्केल से। ये देखिए ये बॉडी जो है ये कवर्ड है साइक्लॉइड स्केल से। ठीक, ये फिगर है, ये नोटो नियोसेरेटोडस ऑस्ट्रेलियन लंगफिश, ये प्रोटोप्टेरस अफ्रीकन लंगफिश, ये लेपिडोसायरन अमेरिकन लंगफिश। ठीक, फिगर आप लोग बहुत ही अच्छे से बनाइएगा, बहुत ही अच्छा फिगर सिंपल वे में मैंने बना दिया है। अब जो नियोसेरेटोडस है यहाँ पे हमने कुछ फीचर बताया है किन मछलियों का कौन सा फीचर है। जो नियोसेरेटोडस है ये रिस्पायर बाय गिल, ये रिस्पायर करती हैं गिल से, अपने रिस्पायर करती हैं। मछलियों में जनरली गिल से ही रेस्पिरेशन होता है। जो ऑस्ट्रेलियन लंगफिश है नियोसेरेटोडस है वो रिस्पायर बाय गिल लंग इन स्ट्रेस कंडीशन। अगर कोई कंडीशन स्ट्रेस आ जाता है, मतलब पानी की कमी हो गई, पानी नहीं उनको मिल रहा है, अगर उनको कोई पकड़ लाया है बाहर रख दिया है, तो स्ट्रेस कंडीशन में मतलब अगर उनको प्रॉब्लम कहीं क्रिएट हो रहा है कि उनको पानी नहीं मिल पा रहा है, तब जाकर के वो लंग का इस्तेमाल करेंगी। ठीक, नियोसेरेटोडस जनरली रिस्पायर करती हैं गिल से, लेकिन जो लंग होता है उसका उपयोग जब कहीं रेयर कंडीशन में वो करती हैं। जो लेपिडोसायरन और प्रोटोप्टेरस है अफ्रीकन लंगफिश और अमेरिकन लंगफिश है वीकली डेवलप्ड गिल, ये जनरली किससे रिस्पायर करती हैं। इनका जो रेस्पिरेशन होता है वो जनरली जो है लंग से होता है, लेकिन इनमें डेवलपमेंट ऑफ गिल बहुत ही वीक होता है। ठीक, वीक होता है डेवलपमेंट ऑफ गिल। ऑल बॉटम ड्वेलर्स हैं, सभी फिश जो हैं वो बॉटम रीजन पे पाई जाती हैं। सी में हैं तो वो बॉटम रीजन पे पाई जाएंगी, हमने बताया रिवर और पूल में पाई जाती हैं, तो ये बॉटम ड्वेलर्स हैं, मतलब निचले स्तर पर पाई जाती हैं। ठीक, जहाँ पे लाइट जो है नहीं पहुँचता है। अब बताते हैं ये जो है ये प्रेडेसियस हैं, ये दूसरे मछलियों पर हमला करती हैं, मतलब ये प्रेडेटरी हैबिट शो करती हैं, दूसरी छोटी मछलियों को मारकर खा जाती हैं। कार्निवोरस हैं, अगर भाई जो कोई भी है अगर वो प्रेडेटरी हैबिट का है तो वो कार्निवोरस होगा ही। किसी भी अगर दूसरे जानवर पे वो हमला करता है, शिकार करता है, प्रेडेटरी का वर्क करता है, अगर शेर है अगर वो प्रेडेटरी है तो भाई वो कार्निवोरस होगा ही। ठीक, तो ये कार्निवोरस भी हो गई हैं। और ये किस पे फीड करती हैं, ये वार्म पे जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं और मोलस्का होती हैं, मोलस्कन एनिमल जो हैं, और क्रस्टेशियन पे ये जो है अपना फीड करती हैं। अब दे आल्सो क्राउल ऑन बॉटम, ये हमने पहले ही आपको बता दिया है कि ये बॉटम पर क्राउल कर लेती हैं। अगर कहीं पानी नहीं मिलता है, कहीं पानी से ये बाहर आ गई हैं, तो ये क्राउल करती हैं। किससे क्राउल करती हैं, जो फिलामेंटस इनका फिन होता है यहाँ पे पाया जाता है फिन, इससे जो है ये क्राउल करती हैं, मतलब मूव करती हैं। ये जो फिलामेंटस फिन होता है इनका, ये लेग का वर्क करता है। अब इनका जो इंटरनल जो रीजन होता है, इंटरनल बॉडी का इंटरनल पार्ट होता है उसका, उसके बारे में हम बताते हैं आपको। जो इनका इंटरनल जो इंडो स्केल्टन होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, बोनी नहीं होता है, वो कार्टिलेजिनस होता है। इनको हम कार्टिलेजिनस फिश भी बोल सकते हैं, बोनी फिश नहीं बोल सकते हैं। ठीक, कार्टिलेज का बना होता है इंडो स्केल्टन, इसलिए इनको कार्टिलेजिनस बोल सकते हैं। इनका जो स्विम ब्लेडर होता है वो भी डेवलप होता है, अच्छे तरीके से डेवलप होता है। इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है, इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है, इंटरनल नहीं होता है। जितने भी फिश होते हैं वो स्पॉनिंग के तरीके से, स्पॉनिंग से जो है, स्पॉनिंग एक प्रोसेस है जिनमें जो है मेल और फीमेल अपने अपने, अगर मेल है तो वो जो है मिल्ट, एक मिल्ट कहते हैं उसको, स्पर्म को जो है मिल्ट कहा जाता है। मेल
मेल में जो है मिल्ट निकाला जाता है, मेल्ट से स्पॉनिंग एक प्रोसेस है, स्पॉनिंग में जो है मेल से मिल्ट निकाला जाता है और फीमेल से क्या निकाला जाता है, उसका एग निकाला जाता है। ठीक, जो मेनली जितने भी कुछ एम्फीबियंस भी हैं और कुछ रेप्टाइल्स भी हैं और फिशेस हैं, इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है और मेनली स्पॉनिंग के तरीके से होता है। स्पॉनिंग में भी जो है मेल से जो है मिल्ट निकाला गया, ठीक, अब जो फीमेल है उसके जो है एग निकाला गया बेली रीजन पे, कुछ मछलियों में बेली रीजन पे, बेली रीजन यहाँ पे कहते हैं, बेली रीजन से जो है वहाँ से उनका एग निकाला गया है। यहाँ पे जनरली अगर आप बार बार इसको रगड़ेंगे तो यहाँ से जो है एग निकल आएगा। ठीक, जब ये एग निकल आएगा, ये आर्टिफिशियल ब्रीडिंग की बात हो रही है, लेकिन नेचुरली जो ब्रीडिंग होता है उसमें भी स्पॉनिंग के तरीके से फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है। ठीक, मिल्ट और एग जो है फ्यूज किए जाते हैं, जो इंड्यूस ब्रीडिंग हम बताएंगे आपको उसके बारे में बताएंगे, कई मेथड हैं आर्टिफिशियल ब्रीडिंग के। और ये जो है आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इनका जो लार्वा जो डेवलप होता है, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया एक्सटर्नल, जब इनका लार्वा है वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस के तरीके से डेवलप होता है। इसमें एग होता, एग हुआ, लार्वा बना, प्यूपा बना, फिर एडल्ट बना, इसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। इनका जो हमने बताया आपका स्केलेटन जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, वीक इंडो स्केलेटन होता है। ठीक, अब इन सभी चीज़ों को आप लोग एक बार देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। डिप्नोई किसको कहा गया है, लंग फिश में। डिप्नोई का मतलब होता है डबल ब्रीदर्स, मतलब ये डबल ब्रीदर्स का मतलब ये होगा भाई, दो तरीके से ये लोग सांस लेती हैं, इनमें जो है लंग भी पाया जाता है और गिल भी पाया जाता है, इसलिए इनको डबल ब्रीदर्स कहा गया है। ये डिसकंटिन्यूअस हैं, ये है नहीं कि सब जगह पर ये पाई जाती है, कुछ रीजन में पाई जाती हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाई जाती हैं। इनका तीन एग्जाम्पल है, नियोसेरेटोडस, लेपिडोसायरन और प्रोटोटेरस। ऑस्ट्रेलियन लंगफिश, अफ्रीकन लंगफिश और अमेरिकन लंगफिश, हमने इनके बारे में बता दिया, फिगर आपको बनवा दिया। अब जो है कुछ जो नियोसेरेटोडस है वो रिस्पायर करती है गिल से, ये लंग का उपयोग रेयर कंडीशन में करती है। और जो लेपिडोसायरन और प्रोटोटेरस है, इनका जो है डेवलपमेंट ऑफ गिल होता है वो बीक होता है, ये जनरली लंग से ही रेस्पायर करती हैं। सभी मछलियाँ बॉटम डोलर्स हैं और प्रीडेटरी हैं, कार्निवोरस हैं। ये वीडियो अगर आपके समझ में आया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इंड्यूस्ड ब्रीडिंग, जो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग होता है मछलियों का, उसके बारे में, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मछलियों का आर्टिफिशियल ब्रीडिंग करवाया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।